हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th की इंग्लिश की कविता कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को स्टडी करेंगे। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। आइए अब इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर गुण, ऑफ ए हैप्पी लाइफ एक खुश जीवन के, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति एक खुश जीवन बिता सकता है, इस कविता में उन गुणों का वर्णन किया गया है। आइए अब कविता को शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी, कितना खुश, इज ही, वह है, बॉर्न और टॉट, बॉर्न जन्म से और टॉट या फिर सीखा गया है, दैट जो, सर्व्ड सेवा करता है, नॉट अनदर्स विल दूसरे की इच्छाओं की नहीं, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति या तो जन्म से या फिर जिसने जन्म के बाद सीख लिया हो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना दूसरे के अनुसार नहीं, ऐसा व्यक्ति कितना खुश होगा। हूज आर्मर, हूज जिसका आर्मर सुरक्षा कवच, इज है, हिज ऑनेस्ट थॉट उसके ईमानदार विचार, जिसके ईमानदार विचार ही उसका सुरक्षा कवच है, यानी कि जो इंसान ईमानदार होता है, ईमानदार विचारों वाला होता है, उसे किसी सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं होती, उसके विचार ही उसके रक्षक होते हैं, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। एंड सिंपल ट्रूथ, साधारण सच्चाई ही, हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट सबसे बड़ा स्किल गुण, और उसकी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा गुण या उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए कि वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह जन्म से ऐसा है या फिर उसने ऐसा करना सीख लिया, यानी कि अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना सीख लिया है, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हूज आर्मर, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं और सच्चाई ही जिसकी सबसे बड़ी योग्यता या विशेषता होती है, ऐसा इंसान एक बहुत ही खुश जीवन बिताता है। हूज पैशंस, जिसके मनोभाव, यानी कि जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर्स उसकी मालिक नहीं है, यानी कि जो इंसान अपनी तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना जानता है। हूज सोल, जिसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड, स्टिल हमेशा तैयार रहती है फॉर डेथ मृत्यु के लिए, यानी कि जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, जो मरने के लिए तैयार रहता है, अर्थात मौत से कभी भी नहीं डरता, मौत के डर से जो कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। अनटाइड, टाइड मीन्स बंधन, अनटाइड बंधन से मुक्त। अनटू द वर्ल्ड, संसार में, जो संसार के बंधनों से मुक्त होता है। विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव शाही प्रेम से, और वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ मीन्स आलोचना, जो संसार के यानी कि लोगों के प्रेम भले व्यवहार से या फिर उनकी आलोचनाओं की परवाह नहीं करता, यानी लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, उसके ऊपर इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जिसके मनोभाव उसके स्वामी नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति अपने विचारों का गुलाम नहीं है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जिसकी जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, मृत्यु के डर से कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करता है, जो संसार के बंधनों से युक्त है और लोगों की उसके प्रति अच्छी राय या फिर बुरी आलोचनाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा व्यक्ति संसार में एक खुश जीवन व्यतीत करता है। Who hath his life from rumors freed? Who, जिसने, hath means has, his life, अपने जीवन को from rumors, अफवाहों से free, आज़ाद कर लिया है, कि जिसने अपने जीवन को अफवाहों से आज़ाद कर लिया, अर्थात अफवाहों का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। Whose conscience, जिसके अंतर आत्मा, is his strong retreat, उसका मजबूत रिट्रीट आश्रय स्थल है, यानी कि जो अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनता है और अपने अंदर आत्मा के अनुसार ही कार्य करता है, किसी के बहकावे में कभी नहीं आता, ना ही किसी से प्रभावित होता है। हूज स्टेट, हूज जिसकी स्थिति को, कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, फ्लैटरर्स चापलूस, नाइदर ना तो, फीड मीन्स भोजन, कि चापलूसों का भोजन जो उसकी स्थिति को
बदल नहीं सकता, अर्थात चापलूसीपूर्ण व्यवहार का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता लोगों के चापलूसी करने पर। नोर रियून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, नोर ना ही रियून नष्ट करना, ऑपरेसर दबाव डालने वाले, बलपूर्वक कार्य कराने वाले या फिर किसी भी प्रकार के बलपूर्वक कार्य उसके द्वारा नहीं किए जा सकते या कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक उससे कोई भी कार्य नहीं करा सकता। कहने का मतलब है कि जिसने अपने आप को अफवाहों से मुक्त कर लिया है और जिसकी अंतरात्मा ही उसका आश्रय स्थल है, यानी कि जो अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है और चापलूसों की चापलूसी भरी बातों का जिसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और जो किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। आगे देखिए, हु एनवाइज नन, एनवे जलन ईर्ष्या करना, जो नन किसी से भी नहीं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डथ रेस, हुम जो चांस अवसर मिलने पर रेस उन्नति करते हैं, कि ऐसे लोग जो मौका मिलने पर उन्नति कर जाते हैं वो उनके प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है। नोर वाइस ना ही कोई बुराई, हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी नहीं समझ पाता है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, हाउ कितने डीपेस्ट गहरे वाउंड्स, हाउ कितने गहरे घाव और गिवन उसे दिए जा रहे हैं विद प्रेज तारीफ के द्वारा, कि जो लोगों की तारीफ भरी बातों के पीछे उनके द्वारा दिए जाने वाले गहरे धोखे को भी नहीं पहचान पाता है, अर्थात लोगों की चालाकियों को नहीं समझ पाता है। नोर रूल्स ऑफ स्टेट, और वह स्टेट राज्य के नियमों के अनुसार नहीं बल्कि रूल्स ऑफ गुड अच्छाई के नियमों के अनुसार कार्य करता है, यानी कि वो किसी के कहने के आकर नहीं बल्कि जो उसे सही लगता है, जो सबकी भलाई के लिए कार्य होता है वह ऐसे कार्य करता है। हु जो गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, गॉड भगवान की डथ यानी कि डज करता है, लेट एंड अर्ली देर सवेर, प्रे मीन्स पूजा आराधना, जो देर सवेर भगवान की पूजा करता है यानी कि मौका मिलने पर समय मिलते ही वह भगवान की पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ज़्यादा ऑफ हिज ग्रेस उसके आभार प्रकट करने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड मीन्स उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं, यानी कि जो भगवान की पूजा उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि उनका आभार प्रकट करने के लिए करता है। हु एंटरटेन्स जो बिताता है, द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे मीन्स अपने दिन को, जो अपने दिन को बिताता है विद अ वेल चोजन बुक एक अच्छे से चुनी हुई किताब के साथ और फ्रेंड या फिर अपने मित्र के साथ, यानी कि जो व्यक्ति अपना दिन किताब के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ बिताता है वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। दिस मैन इज फ्री, ऐसा इंसान मुक्त होता है फ्रॉम सर्वाइल पैंट्स, सर्वाइल बहुत सारे बंधनों से, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत से बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू रेज, होप आशा ऊँचे उठने की आशा से मुक्त, और फियर टू फॉल या फिर गिरने के डर से, कि ऐसा व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त होता है जिसे ऊंचा उठने पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, यानी कि कामयाबी मिलने पर वह बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और असफल होने पर वह बहुत ज़्यादा निराश नहीं होता, उसे अपने मनोभावों को अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना आता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड भगवान ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का, वह स्वयं का स्वामी होता है। दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, धरती का नहीं, धरती से मीन्स या संपत्ति से है, कि वो खुद का स्वामी होता है चाहे उसके पास संपत्ति ना हो, वो संपत्ति का मालिक भले ही ना हो लेकिन वो खुद का मालिक होता है। एंड और हैविंग नथिंग, हैविंग होते हुए, नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होते हुए ही हैथ हाल, उसके पास सब कुछ होता है, यानी कि भले ही उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति ना हो वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, किसी से नहीं डरता है, चापलूसों के चापलूसी के प्रभाव में नहीं आता है। इस प्रकार का व्यक्ति कुछ भी ना होते हुए भी जिसके पास सब कुछ होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा ही खुश होता है। आई होप आप लोगों को इस कविता का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पोएम को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।